इसमें जो है ज्ञान की बातें हैं। अब इसमें क्या है कि शबरी और राम का दृष्टांत जड़िंदे करे प्रोणा इंदा कुछ ना कुछ तो गप सप मारी करी गंदा कोई लाल रोटा लगाए गंदा। जैसे ही भगवान राम शबरी के पास पहुंचे तिन्ने क्या गप मारी कुछ ना कुछ ने अपने गप मारी होने साथ चढ़ाया होने आह कितना होनो अगे बैर खाए गए गाने गुने डमाती हूँ लेकिन तिन्ने क्या गप मारी ये नहीं सोची है। यानी भगवान राम शबरी को समझा रहे हैं और याज्ञवल्क्य के ऋषि जो है भारद्वाज मुनि को समझा रहे हैं, काक भी शुंडी जी जो है गरुड़ जी को समझा रहे हैं और तुलसीदास बाबा जिन्होंने ये रचना की हुई है वो किसे समझा रहे हैं आई सभी उसके बंदे उसको। तो इतनी क्या है किस प्रकार का ज्ञान बल्दा की निर्मल मन जन सो मोहि भावे मोहि कपट छल छिद्र नहीं भावा। यानी कि जो मनुष्य निर्मल मन से मेरा भजन करता है मेरा ध्यान करता है उसको मैं मिल जाता हूँ लेकिन उसमें कैसा मन होना चाहिए छल कपट नहीं होना चाहिए। और भाव का भूखा हूं मैं भाव ही का सार है भाव से जो मुझे भजे उसी का बेड़ा पार है। यानी भाव की बात है और गीता में स्पष्ट कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेच्छति। जो भी भक्त प्रेम से पत्र पुष्प जो भी मुझे अर्पण करता मैं उसे क्या कर देता हूँ स्वीकार। तो वहां पर क्या है कि मैंने सुबह भी समझाया था लेकिन कुछ लोग थे कि अब राम भगवान को शबरी मैया बोल रही कि मेरे पास क्यों आए यहाँ तो बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं आप मेरे पास क्यों आए मेरे में ऐसा क्या है जाति की एक तो मैं नीच हूँ कुलीन हूँ बल नहीं है मेरे पास बुद्धि नहीं है सुंदरता नहीं आप मेरे पास क्यों आए। भगवान राम कहते हैं मैया वो जो बात तेरे में है वो किसी और में नहीं। तो वहां पर भगवान राम नौ प्रकार की भक्ति जो है किसे समझाते हैं शबरी मैया को समझाते हैं नौ प्रकार की भक्ति। तो नौ प्रकार की भक्ति जो मैं कभी फिर आपको सुनाऊंगा भगवान ने मौका दिया। तो इसके ऊपर जैसे निर्मल मन की मैं बात करूं तो एक मैं संत की बात जरूर सुनाऊंगा आपको। हमारे जो रविदास एक संत हुए सभी ने सुना होना यानी कि रविदास जो संत थे जो अपना जूते जाते जो बनाते हैं इसका काम करते थे अपना फेरा काम कर दी है और जैने ग्राम बैठे काम कर दी है काम करते करते क्या होंगे कि तेरी अर्जी पंडित वर्ग होंगे तीनों लगता पता कि रविदास था बड़ा ज्ञानी है रविदास जो सब मनते हैं मतलब रविदास लगंद है रविदास भगवान का भाषण करता चप्पल रविदास ले चपली बनाई लेंदे चलते जिये सोते चपली बना कहते हैं मतलब रविदास लगुरु हमारा अपना गाना हरे रामा जो भी सेरा भजन थो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी राधा रमण जो बोलता कि रामन देव आप कहाँ जा रहे हैं। तो सो बोलते कि आज गंगा चल गए ना माता के दर्शन देने ते समय सो कोड़ी काड़ी चलती ही है प्राणे वालों को पता होना वे सिक्के वे पैसे रखे रहते हुए ते इसलिए सो आकर पैसा होते ने वालों ये कह रहे कि नहीं आज जो बल्ले की वे रविदास से हम तो ये सिक्का चले गए पंडित वर्ग स्नान सुनान करते ते जिसलै सो सिक्का होंदा सो सोचता सेरा सिक्का मुंह को देना ते इसी और खेड़दा भी केड़ी पुछने आला कोना ता जियां सो वापस इंदा पौड़ी चढ़दा ता पीछे आवाज इंदे सो बोलदे आ गंगा में ये ते सिक्के दींदा अक हाथ है माता ते सिक्के ले लेंदे दूर हाथ है सोने का कंगन दींदे बोलदे ए जे सोने का कंगन मेरे भक्त रविदास जो चले गंदा हुसैन माला छल कपड़े चले गंदा सो सोचता भाई सोने का कंगन दी लाता तेस कर पाना सोता जूते करता तो ये जूता नहीं है पागली ना आस अच्छा चले गंदा करे लाड़ी ते बोलता कि ये भी मुझे सोने का लाड़ी बोलती कर दे भाई राजीव दी देश कंगन और ताकि राजा सी आन पानी दिंदा रे ता वो कंगन सा पाना कम से कम रज्जी रोटी ता कर ले चले गंदे राजे लेगी चिंदे राजे ले तेस कंगन दी दिंदे नहीं जान होने सो जे कंगन सो रानी अपनाईंदा और रानी जेने पहन लेंदे रानी अक्की कंगन पहन लेंदे दूआ हाथ खाली रानी बोलते भी आके कंगन मौका ना पाना दूआ कंगन लेके दे मुझे। अब राजा बोलता कि मुंजो दा की कंगन तो रानी जिद बजन दे कि नहीं है जो मर्जी कर बल्ले मतलब मुंजो दूआ कंगन की नहीं करदा यूं कह रहे हो जिगन दिया कि कंगन की आ तो पंडित जी जेड़े सो तिनो पेंदे आ राजे ने सुता हूं मार मु तो सो सच बलिंदा कि वे ई है वे रविदास है सिक्का नहीं तो रविदास सॉरी को सो जी पता लगता कि रविदास हो तो राजा बोलता कि रविदास चुक्की करे मेरे अड़ी गई है बेटी तो रविदास बोलता भी राजीव बोलता कि मुंह ना तुझे लेना क्योंकि वो अपना काम करूंगा अपना कर्म करूंगा वो अपने बच्चे या अपना
टब्बर जेड़ा इन जूते सी साइकिल पाड़ों दा मुंह की रहना ते तेरा होना नहीं चाहता तो मतलब ये ना क्या पता क्या था तो तेरी आवाज टेर दे सो ना ना थोड़े दिन बाद राजू पता लगे कि बड़ा नैड़ा मुझे गाना पहना तो राजा चलिया बड़ा अपना रथ रुथ पहनी करी नहीं हुई करी जिये सुखता तो क्या बोलता है राजू बोलता वे ही है कर वे अगर तू कुछ समझाओ गल कुछ ये कुछ तो अपना भैप मदद समझो आसान तरीके तो राजा फिरी का वापिस नंगे पैर लिखता और किसी बोलता कि अख कंगन का हाव दूआ कंगन ले कर दे मुझे भजन करे सकू तैने सो कहावत सच हुई थी कि मन चंगा तो कटौती में गंगा सो गप नहीं है बुरेली संत रविदास वो तब बात उन्होंने वो लोकोक्ति बनाई हुई थी कि मन चंगा और कटौती में गंगा वो उसकी कटौती थी और मन चंगा रविदास का था तब रविदास जयंती मनाई जाती है इसलिए धूमधाम से रविदास जैसे संत भारत वर्ष में नहीं हुए बोली भांटे बिहारी लाल की।